आप बताएंगे कि जो वाकया हुआ इसके हवाले से बताएंगे। देखिए सर, मैं सुबह जो है सैर करने के लिए गया था ऊपर, कोई 7:30 के करीब एक गोला जो है ब्रिगेड के अंदर हीट हुआ आके। ये 15-20 दिन पहले भी एक गोला वहाँ पर हीट हुआ था। उसी के बाद जो मैं ऊपर गया ब्रिगेड की तरफ देखने के लिए गया कि कोई हमारी कैजुअलिटी तो नहीं है। उसके बाद जो है 15-20 मिनट के बाद एक गोला दोबारा वहीं पर ब्रिगेड पर आके गिरा। ये साफ साफ यहाँ से पाकिस्तान की छवि साफ हो जाती है कि वो एक ब्रिगेड के ऊपर गोला फेंकता है, वो क्या चाहता है। तो ब्रिगेड कमांडर सर से भी यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि जनाब, आज तो उन्होंने चलो मुँह जवाबी कार्रवाई अच्छी की है, लेकिन आगे भी ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये जो दुश्मन देश है ये दूसरी बार हमारे ऊपर आंख उठा के ना देख सके। इससे जो है हमारे गांव के लोगों को परेशानी होती है, जो सिटी में जो हमारे लोग हैं उनको बहुत दहशत का माहौल रहता है, इसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। ये रोज़ का जो है ये जो गोलाबारी कर रही है, हमारे जवानों को शहीद करना, ये आगे पीछे के, ये इससे ये भी अच्छा है कि एक ही बार उनको जैसे आज इन्होंने कार्रवाई की है वैसे कार्रवाई की जाए, ये फिर चुप रहेंगे। धन्यवाद। फायरिंग ये दहशत का माहौल था काफ़ी, तो आप भी थोड़ा जो यहाँ के लोग हैं जो बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं या फैंस की इस पार जो रहते हैं प्राणी पूंछ ब्रिगेड के नज़दीक, तो आप क्या कहें। मैं ये कहूँगा कि सुबह सुबह 7:30 बजे के टाइम पाकिस्तान ने हठ धर्मी करके पूंछ में शेलिंग की है, जिससे कि लोगों में बड़ी दहशत फैली हुई है और तकरीबन जो आसपास जहां पर बम ब्लास्ट हुए वहां पर लोगों में बड़ी दहशत है और इससे लोग बड़े डरे हुए हैं। मगर फिर भी हम ये कहते हैं कि हम पड़ोसी के साथ एक अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं, मगर वो बात जो है मैं तो ज़रूर कहूँगा कि अगर उधर भी सिविलियन जो हैं हमारे हैं, इधर भी सिविलियन हमारे हैं, हम ये चाहते हैं कि सिविलियन का नुकसान किसी तरफ ना हो। आर्मी जो आपस में लड़ रही हैं उनका अपना ये काम है, मगर फिर भी मैं ये कहूँगा अगर किसी वो बग़ैर सोचे समझे फायरिंग है, ये दूसरा मौका है इसने ब्रिगेड पर ख़ास करके ब्रिगेड को निशाना बनाकर यहाँ फायरिंग की और वहाँ लोग जो बस्ती है आला पीर की वो बड़े डरे हुए। मैं सुबह वहाँ गया हुआ था, मैंने देखा लोग मुझसे बातें कर रहे थे, मैंने कहा कोई बात नहीं घबराने की, हमारी आर्मी बड़ी बहादुर है, बड़ी बोल्ड है, इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और उसने मुंह तोड़ जवाब दिया भी। मगर इसे सबक सिखाया जाना चाहिए कि बग़ैर बैठे सोचे समझे हम अच्छे तरीके से रहते हैं, हमारी ट्रेड यहाँ चलती है, हमें उधर से लोग यहाँ आते हैं, इधर से जाते हैं, आपस में भाइयों से मिलते हैं। हम चाहते हैं कि ये मसला जो है हल हो, किसी अपने चोर बैठ कर दूर दूर सामना करें, क्योंकि सिविलियन जो है बचरे नाक मारे जाते हैं। अभी मैं ये ज़रूर कहूँगा के पुंछ के लोगों को डरने की बात नहीं है, दहशत ज़रूर है इसमें। मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहूँगा अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं तो ये मोर्चाबंदी जो है पुंछ में मोर्चाबंदी होनी चाहिए ताकि लोग अपना आप बचा सकें। तो आखिर में मैं लोगों को कहूँगा कि हम जब भाईचारे को कायम रखेंगे,
سب ہندو مسلمان سے مل کر اس کا مقابلہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے تاکہ اس کو بھی یہ پتہ چلے کہ وہاں لوگ ایک ہیں، اس کے دل میں کچھ اور ہوگا مگر وہ ہو نہیں سکتا ہے، وہ اس کے خواب جو خواب پورے نہیں ہوں گے۔ شکریہ۔